अच्छा ये काम ये है हमारे पास रोज एंड कॉलम है। होता है इसमें ये कि ये रो एंड कॉलम इसके थ्रू जो हम वर्किंग करते हैं, तो सिनेरियोस का ये होता है। ठीक है 28 ट्यूसडे को है ना, ठीक है 28 है भाई, तो 28 जुलाई है। ये जो A00 A01 है A0, तो ये 0 किसको जाहिर कर रहा है, ये रो को जाहिर कर रहा है, ये रो है। फिर ये हमारे पास सेकंड रो है तो वो 1 जाहिर कर रहा है। फिर जो है वो सेकंड रो है तो 2 हो रही है, और 0 0 0 ये सारे 0 क्या है, यानी ये 0 है तो ये कॉलम 1 है। तो ये वाले जो पहले वाले ये इसका मतलब होता है रो और इसका मतलब होता है कॉलम। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं जब हम इस तरीके से करना होता है तो हम दो लूप से पूछे को कंट्रोल करते हैं, टू लूप नेस्टेड लूप। एक जो लूप है ये वाला लूप ही इसको कंट्रोल करता है, पहले वाला ये लूप कर रहा होगा रो को, और दूसरा वाला किसको कर रहा होता है, दूसरा वाला कर रहा होता है कॉलम को। तो रो एंड कॉलम के थ्रू जो हम एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है हाँ अब देखो ये जरा मैं इधर इतना आई और जे की वैल्यू जो वो राइट कर रहा हूँ। सही है आई और जे की वैल्यू राइट, ये मैंने बताया। जो आई और जे की वैल्यू जो पता करनी, तो आई जो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये लेट सपोज ये जो है ये हमारे पास जो आई है सही है, और ये जो है ये हमारे पास जो वो जे है। ठीक है आई और जे 0 0, ये 0 और 0 से क्या होगा, यानी आई आई अब मैं लिखता हूँ राइट करता हूँ कि आई जो है वो क्या है, आई जो है वो 0 है क्योंकि आया था कोई आई का शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही आएगा शुरू होगा तो क्या होगा, साथ में जे के अंदर हम चले जाएंगे जे वाले लूप में, और उसका भी 0 0 0। और उसके बाद जब हम ये जो है ठीक है 27 जुलाई है ना, ये 28 कौन बोल रहा था शाम, 20 ट्यूसडे वो शाम में लिखा, हाँ 27 लिखा है, तो वो दूसरी तरफ नजर आ गया होगा, ज़्यादा नीचे चले गए। इसको जो है ना उसके साथ मैच कर लिया होगा अगले वाले पेपर के साथ, तो ऐसा लगा। अच्छा ये क्या है 0 और 0 0 होगा ना, 0 0। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पे जो मैं राइट कर देता हूँ ए, ठीक है यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ए, इसका क्या मतलब है, ये जो ए के 0 0 एलिमेंट है तो ये मैंने इसका इसका नाम ही मैंने ए रख दिया एरे का। ठीक है तो A00 क्या है, A00 अगर तुम तो ये है जैसे मतलब यहाँ पे जो है वो अगर मैं कोई चीज़ वैल्यू राइट करूँगा सही है, अगर तो ये इसके अंदर जो इनिशियलाइज कर दिया गया, लेकिन कोई चीज़ राइट करूँगा तो वो हमारे पास जो है वो इस जगह पे होगी सही। यहाँ पे कोई मैं इनपुट लूंगा तो इस जगह के ऊपर होगी। तो लेट सपोज यहाँ पे जो मैंने इसके अंदर इनपुट दे रहा था इसी रो और इस कॉलम के ऊपर ना, क्या हुआ लेट सपोज मैंने जो 2 इनपुट दिया तो 2 कहाँ इस लोकेशन पे सेव हो गया, इसकी लोकेशन क्या है 0,0। और हमें कैसे पता चल रहा है ए जो ए आई कॉमा जे, तो आई की वैल्यू जो है वो 0 है पहली दफा लूप है, और जे की वैल्यू भी 0 है। अब ये लूप अगेन चलेगा लेकिन ऊपर वाला जो है वो आपके पास नहीं चलेगा, बल्कि अंदर वाला दोबारा चलेगा और जे की वैल्यू जो है वो 1 कर देगा। सही बाहर वाले सीन चलेगा जब तक इनर जो लूप है अंदर वाला, जब तक वो फॉल्स नहीं हुए तो वो चलेगा। तो अब जो हमारे पास आई और जे की वैल्यू क्या आ गई 0,1 सही है, और 0,1 किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, 0,1 जो है वो जाहिर कर रहा है इस चीज़ को कि ये जो हम इस लोकेशन पे, यानी अभी इनपुट यहाँ दी थी फिर इनपुट यहाँ दी थी दे दिया, या यहाँ पे हमने प्रिंट कराई थी तो यहाँ पे जो दोबारा प्रिंट करा दी। अब जो है वो फिर जे को बढ़ाते हैं तो जे की वैल्यू जो है वो क्या हुई 2 हो गई सही है। तो अभी ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, ये तो 0 चला रहा है सब जगह 0 है, क्योंकि रो जो है वो अभी आपकी सेम है।
यानी आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये जाहिर बात इस जगह को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये तरीकेकार होता है, इस तरीके से जो एक्सेस करते हैं। तो बहरहाल ये अब एरे का सिनेरियो क्या हो सकता है, देखो इसको जरा गौर से सुन लो जब मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई अभी मतलब इधर आ गया लेकिन अभी भी जो है वो नींद में, आपकी क्लास में बच्चा कितना है ये जरा देखो, मतलब ये बच्चे कितना ये जरा चेक करते हैं, ऐसे पता चलेगा। मिड टर्म में जितनी कॉपी आई होंगी ना वो बता देगा, मिड टर्म पता चेक कर कॉपी आई है। अट्ठारह लोग हैं, 18 में से कितने हैं, 18 में से 10 है क्योंकि दो दो यूजर मेरे हैं, तो इसका मतलब है बाकी कितने बचे, 8। तो ये 8 लोग जो है, हालांकि मैंने जो है अभी मैसेज करा आपके सामने ये बोला कि इन सब चीजों ने एफएल मार्क हो जाएगी, लेकिन कोई बात है ना, कोई जाग रहा हो तो करे ना, ये लिस्ट पड़ी है यहाँ। अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आते ही नहीं है, वो उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो कि जो है कॉपियां जमा करा चुके हैं वो 18। तो 18 तो कंफर्म है, वैसा तो नहीं हो सकते कि उस वक्त जो है वो कोई और क्लास का जो है वो आगे जो है, क्योंकि इसका पासवर्ड तो सिर्फ आपके पास है, आपके यूजर का पासवर्ड तो आपके पास है, और इस क्लास में वही आ सकते हैं जिनका पासवर्ड हो, मतलब जिनको एक्सेस हो वही आ सकता है, तो उसके बावजूद जो है ये हालात है। इसमें जो है वो आपने इस तरीके से तमाम वैल्यूज इनपुट भी कर सकते हैं, वैसे हमने डायरेक्ट डायरेक्टली डाली हुई सही है, लेकिन आप जो है वो यहाँ पे इनपुट भी कर सकते हैं, और इनपुट करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे दोबारा प्रिंट भी करा सकते हैं, उसमें कोई चेंज भी कर सकते हैं। सही, ये जगह इसी जगह पे करता है, यानी दो लूप चले, एक में आपने इनपुट किया और फिर उसके बाद अगेन दो लूप चला के और उसका जो जो तो भी आउटपुट है वो भी प्रिंट करा दिया, तो ये जो है पॉसिबल है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास पॉसिबल है। अब इस प्रोग्राम को जो चला के भी देख लेते, सही है। बोलूंगा तो आवाज आएगी ना पहले, मतलब ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ, मेरे मेरा जो है इस वक्त जो है कीबोर्ड के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं चुप हूँ, वो फाइल लिखा हुआ दे दी, क्या ये भी एक अजीब अप्रोच है कि मतलब बंदा बोल नहीं रहा फिर भी चाहते हैं कि आवाज़ आती रहे, ये जरा देखें आप लोग तो। थोड़ा वेट कर लिया करें, 1 मिनट मैंने इधर से कॉपी पेस्ट करा आपके सामने, इसमें भी बहुत चीज़ें देखनी होती है, तो नहीं है अभी, सफर करना अभी मैं खुद ही नहीं बोल रहा, सही मैं ये देख रहा हूँ कि कोई एरर तो नहीं, मतलब मेंटली भी थोड़ा सा ये वर्किंग करना पड़ती है ना इसके अंदर कि वो चले तो मिनिमम एरर हो।
ये हमने ना इनिशियलाइज कर दिया यूजर से इनपुट लेने के बाद, ये जो हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो ये इनिशियलाइज हमें ये आसानी होती है शुरू में देते हैं। कभी भी याद है कि आप कोई प्रोग्राम बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, उसके अंदर जो आप ये चेकिंग कर लें कि ये जो है इनिशियलाइज हो ना, तो आप टेस्टिंग बड़ी आसानी से कर देते हो, यानी बार बार जो यूजर से हाँ हमेशा पहले वाला भी आता है, फाइनल हमेशा याद रखें हमेशा पहले वाला जो 30% आता है। अब एक प्रोग्राम था आगे चल के रहेगा, तो मैं ऐसा कोई प्रोग्राम दे दूँ कि उसके अंदर इसका यूज़ ना हो, ये तो गलत बात है ना। ये देखो ये है किस चीज़ है, ये बस इसके यही तो मैंने कहा था कि बढ़िया इतना मुश्किल नहीं है सस्ता। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर ये आपकी ना अपनी उर्दू की तरह हो जाती है इस हिसाब से, लेकिन काम करते रहो, जैसे आपको उर्दू में कोई नहीं रोक सकता बोलने से, ये जो जुमला चाहिए जो अल्फाज चाहिए खुद ब खुद जहन में आ रहे होते हैं, ऐसी ये लैंग्वेज होती है। सही है, ये लैंग्वेज को आप काम करते रहो काम करते रहो, फिर लॉजिक आपके जहन में आने लगते हैं कि यहाँ पे मैं लूप लगा दूँ या पेस लगा दूँ ये हो जाएगा, अभी करता हूँ 1 मिनट करता हूँ, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये उन्होंने जो है वो तक पढ़ाई कर ली होती काफ़ी अच्छी, फाइनल के अंदर आपका जो अभी मैं बताऊँ जो किसी का 60 भी आया होगा ना, 60 से भी लेस आया होगा ना अभी इस सब्जेक्ट के अंदर लास्ट लास्ट टाइम, उसके भी पता चला एक ही रेड आ रहे हैं। क्यों इसलिए आ रहे हैं कि उस वक्त तक वो बच्चा जो है थोड़ा सा सोचने लगता है, तो सीरियस हो जाता है, असल में होता है सीरियस होना। जब आप सीरियस हो जाओ ना कि नहीं मुझे करना है किसी भी बात के ऊपर, बड़ी बड़ी बात है, सिर्फ बंदा जो है वो चेंज अपने आपको इस बात पे कर लेता है कि सीरियस हो गया। सीरियस होने की वजह से जो है वो और अच्छी आपकी पॉजिटिव चेंज भी आ जाती है। देखो ये गिनती की चीज़ें हैं, इफ है, स्विच है, लूप्स है, फाइलिंग है, एरे है, स्ट्रिंग है, और ये भी जो है बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, लेकिन ये कि सबसे अच्छे जो आपके जिस दुनिया में मुखलिस होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो आपके वालदैन होते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं, चाहे आपके हों चाहे मेरे हों, रही है वो हमें बेहतरीन जगह भेजते हैं दुनिया में बेहतरीन जगह। क्या वजह है कि वो क्यों नहीं बोलते कि सुबह उठो, जैसे मतलब जो लोग होते हैं जो फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो बेचारे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे को उठा के वो काम पे भेज देते हैं, हालांकि उसको पढ़ने की उम्र होती है, लेकिन आप देखिए अल्लाह ताला ने आपके पेरेंट्स को दिया तो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट जो कहाँ करते हैं अपने बच्चे के ऊपर कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो उसी लिहाज से मतलब आपको खुलूस होंगे ना। आप तो ऐसे होते हैं कि जी आपके वालदेन को कोई मतलब कोई गलत वर्ड के अंदर या कोई कुछ कहना भी चाह रहा है ना, तो आप फौरन इतराज़ कर देते हैं, आपके सामने कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अब उस लिहाज से देखो कि आप जो है वो मतलब उनके लिए जब वो कर सकते हो तो उनके लिए ये भी कर सकते हो कि वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए जो है वो आप बहुत अच्छी पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो। आप देखो ना अगर लेट सपोज आप जो है आपका ही आता है तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा, उनका तो मतलब ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जो है वो खून बढ़ा दिया है, उनकी खुशी आप अंदाजा नहीं कर सकते, तो उन्हीं के लिए आप लोग पढ़ लो। अभी 1 ग्रेड ला के देखो और अपने बताओ पेरेंट्स कि मेरा 1 ग्रेड आया है, फिर आप देखो और होगा क्या, होगा यही। उर्दू मुश्किल है आपके लिए, जब उर्दू मुश्किल नहीं तो सी शार्प भी मुश्किल नहीं, क्यों दोनों एक लैंग्वेज है, वो एक मदर टंग है और एक जो अभी आप सीख रहे हो। हर लैंग्वेज बार बार जो बोलने से आ रही होती है। अच्छा देखें जी ये हम अरे एलिमेंट्स भी हमने प्रिंट कर दिए कि कौन सी जगह क्या क्या वैल्यू पड़ी है, जैसे 0 0 के ऊपर जो 0 है, 0 1 के ऊपर, यानी इसका ये मतलब पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, तो इस ये वो डिफाइन किया। अच्छा एरे का ये साइज क्या लिया गया था, 5/2, यानी 5 रो थी और 2 कॉलम थे। देखो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 है ना, तो सही है 5 × 2, ये आपके पास कितने हो गए, ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई, और इसके बेसिस के ऊपर जो है वो ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तीसरी है, ये चौथी है,
सही, तो ये टोटल जो आपके पास वैल्यूज है ना, क्योंकि वैल्यूज कितनी है आपके पास, 5 × 2 यानी टोटल जो आपके पास 10 वैल्यूज है। अच्छा ये जो 3 मिनट रहेगा, मैं ठीक है ब्रेक ले रहा हूँ अभी, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को बुलाओ फटाफट, फिर मैं मार्क्स का भी इसी ऐसे डिटेक्ट करूंगा जो क्लास में नहीं आ रहा होगा ना उसके लिए करूंगा। ठीक है आप बुलाओ, एक दो क्लासेस रह गई है, एक आज क्लासेस थोड़ा सा पढ़ लो तो बोलो। ठीक है अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और ब्रेक के बाद ना कितनी देर से क्या ब्रेक, ब्रेक जारी बात है आपको पता है, पता है आप पूरे सेमेस्टर ले रहे हो ब्रेक। अच्छा नया लिंक है, इसको दोबारा जो आगे भेज देना इस लिंक को ना, क्योंकि इसके ऊपर मीटिंग हो रही है, वो लिंक के ऊपर नहीं हो रही जो हमारा नॉर्मल।